नमस्कार दोस्तों, ठीक हो सारे? और पढ़ाई ठीक चल रही है ना सभी की? अगर नहीं भी चल रही है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ गए हैं और यही टाइम है कि हम लोग सोचते हैं क्या कि एग्ज़ाम बहुत दूर है तब जाके पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर हम अभी से अपने कंसेप्ट को, अपनी जो रिवीजन है उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो तब जाकर हमारी वो चीज़ अपेक्स पे हो जाएगी, चीज़ें पीक पर पहुंच जाएगी और हम लोग अच्छे नंबर लेने के लिए हासिल हो जाएंगे, हम उस चीज़ के योग्य हो जाएंगे। और के साथ ही हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टेस्ट हमारा है SKSSC LDC 17 AYKN। तो डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या है, हमें idiom फ्रेज गिवन है, इसका मीनिंग बताना है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार जानना ज़रूरी नहीं है। कि अगर मान लो कहते ना, अधिक जानकारी भी खतरनाक होती है, तो कहने का मतलब वही है कि कई चीज़ों को अगर आप ना जानो तो वही बेहतर होता है। और वो आंसर कौन सा हमारा ऑप्शन दे रहा है, वो दे रहा हमारा सेकंड ऑप्शन, जो कह रहा है कि सम टाइम इट इज़ बेटर फॉर यू इफ़ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स। कि कुछ बार क्या होता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा होती है कि अगर तुम उन फैक्ट्स को ना जानो, बिल्कुल यही बात कह रहा है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड फॉर करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। फर्स्ट वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी के अंदर, इसके अंदर स्पेलिंग में दिक्कत ये है कि डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता, FIDELITE। फिडेलिटी होती है हमारी किसी पर्सन के प्रति फिडेलिटी होना, मतलब हमारी फेथफुलनेस होना, उसके प्रति हमारी सहानुभूति होना, वो होती फिडेलिटी। सेकंड ऑप्शन है बीफॉलन। बीफॉलन में गलती ये है कि बीफॉलन में बी प्लस में फॉल, फॉल FALL, और बी फॉल मन के एक यहाँ पे वर्ब बनाता है। ये वर्ब हम जनरली उस चीज़ के लिए यूज करते हैं जो ट्रेजेडी होती हैं या डिजास्टर होता है या किसी का मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी आई होती है, तो उसके लिए कहते हैं ट्रेजेडी बी फॉल होती हैं, डिजास्टर बी फॉल होता है। तो हमारी ये स्पेलिंग भी गलत है। थर्ड है प्रोबेबल। प्रोबेबल होता है कोई चीज़ प्रोबेबिलिटी होना किसी चीज़ की, कोई चीज़ हो सके वो चीज़ प्रोबेबल है, तो हमारी ये स्पेलिंग अभी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है सेल्वेजर। सेल्वेजर के अंदर देखो, सेल्वेज एक वर्ड होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, SALVAGE। सेल्वेज का मतलब किसी को बचाना, और सेल्वेजर क्या हो गया, किसी को बचाने वाला, तो यहाँ पे W की जगह क्या आएगा, V आएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वरुण गोज फॉर सिनेमा एवरी डे। देखो गो फॉर एक फ्रेज होता है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये दिक्कत किसके लिए होती है। गो फॉर हम लोग जनरली कोई गोल अचीव करने के लिए होते हैं, जैसे गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड फॉर मी, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाना मेरे लिए अच्छा है, तो वो गोल हो गया कि मेरे को जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी प्लेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गो टू यूज करते हैं, लेकिन बात आती है द प्लस सिनेमा, लेकिन और बिना द के सिनेमा। द प्लस सिनेमा हम जनरली सेकेंडरी यूज के लिए करते हैं, क्योंकि प्राइमरी यूज तो क्या है, मैं सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ, लेकिन सेकेंडरी यूज क्या है इसका, मैं मान लो सिनेमा मैं किसी अपनी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ या किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, कि जो कि सेकेंडरी पर्पज़ है सिनेमा हॉल का या सिनेमा का, तो यहाँ पे सेकेंडरी पर्पज़ नहीं, क्योंकि एवरी संडे की बात है, तो एवरी फ्राइडे कोई मूवी रिलीज होती है तो मूवी देखने ही जाऊँगा, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, goes to cinema every Friday। to the cinema नहीं आएगा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्यों नहीं आएगा। goes for क्यों नहीं आएगा, हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया। go in cinema नहीं होता, go to cinema होता, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट वाले में हमें मीनिंग बताना है फ्रेज का, हैव ए ब्लास्ट। देखो हैव ए ब्लास्ट का क्या होता है कि ठहाका लगाना। अब ठहाका किस चीज़ का लगता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फन हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, टू हैव ए लोट ऑफ फन, थर्ड ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट वाले में हमें पैसिव बताना है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब, मतलब इस जॉब को करना बहुत मुश्किल है। तो क्या देखो, हम लोगों ने सीखा कि टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब टू डू का पैसिव क्या होगा, टू बी डन। ठीक है, हम देखते हैं टू डू का टू बी डन, देखते हैं किस किस में है। फर्स्ट वाले में टू बी डन है, कैन नॉट बी डन नहीं हो सकता, नो वन कैन डू दिस नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डन कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि टू डू किससे बनाएंगे हम लोग, टू बी डन से बनाएंगे। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हमारा फिलर
जो करेक्ट स्पेलिंग है सिक्स्थ क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी हमें। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक जो होता है उसकी जो स्पेलिंग में डबल एस नहीं आता, सिंगल एस आता है। तो इसकी मीनिंग होता है किसी चीज़ को समझना मुश्किल हो, यानी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेकंड ऑप्शन है मैनरली। मैनरली होता है कि हमारा बिहेव कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं, गुड मैनर बैड मैनर, उसकी स्पेलिंग होती है एम ए डबल एन ई आर एल वाई मैनरली। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड है सेवेज। सेवेज का मीनिंग होता है, अगर हम सेवेज को पहले स्पेलिंग देख लेते हैं, एस ए वी ए जी ई एस, ये रहेगा सेवेज। जिसका अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग देखें कि उसका मीनिंग क्या होगा, तो होता है कि अटैक करना, और नाउन की तरह देखें तो होता है जैसे जंगली जानवर हो जाते हैं, तो वो है सेवेज एनिमल हो गए, तो वो होता है कि वाइल्ड एनिमल हो गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ है डिजोल। डिजोल की जो स्पेलिंग है वो आपकी करेक्ट है। डिजोल का मतलब होता है उसमें घुल जाना, जैसे कि हम नमक डालें अगर पानी के अंदर तो उसको घुमाएं तो वो उसके अंदर मतलब बिल्कुल मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसका आंसर फोर्थ है। आगे देखते हैं, आगे हमारा गिवन है फिलर। दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू डैश ऑल यूर स्ट्रेंथ, कि ये वो सम टाइम है, समय है कि जब आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाना चाहिए या फिर इकट्ठा करना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। मस्टर जो है, मस्टर का मीनिंग होता है कि गैदर करना, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको गैदर कर लो, ऑप्शन हो सकता है। बिल्ट अप हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाना नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, सबके अंदर किसी ना किसी प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड नहीं होगा। थर्ड है कैप्चर। कैप्चर होता है किसी को पकड़ लेना, फोर्सफुली हम किसी को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ना, जैसे फोटो जब क्लिक करते हैं तो भी कहते हैं कैप्चर कर ली, यानी कि जो सीन दिख रहा था उसको हमने उसमें कैमरे में कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो कह रहा है मैं, मेरी स्ट्रेंथ भाग रही थी, मैंने पकड़ना चाहा उसको। कोई बात नहीं सर, पकड़ लेगा फिर क्या दिक्कत है, शो कर लेगा फिर पकड़ के। फोर्थ ऑप्शन भी देखो शो ही दे रखा है। शो जो है जनरली हम यूज़ करते हैं हमारे टैलेंट बताना दिखाना हो हमें, या हमारी स्किल दिखानी हो, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फर्स्ट मस्टर जो है वही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। आगे जो है हमें गिवन है कि एरर बताना है। देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक मतलब बिल्कुल अर्जेंट चीज़ की जो सेंस उसकी ज़रूरत है कि उसको दोबारा से यूज़ करना है। तो देखो सेंस जो है यहाँ पे एक नाउन है, तो नाउन के लिए आर्टिकल यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है, यही हमारा एरर है। रिन्यूड जो है वो हमारा एक एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हम लगाएंगे आर्टिकल ए। देयर इज ए रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी, तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टू एले द सोरो और ग्रिफ, कि किसी के दुख या दर्द को कम करना। एले का मतलब होता है पैसिफाई करना। टू लेमिनेट। लेमिनेट का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी होना, रोना, मतलब जैसे कोई बुरी खबर सुनाता है तब हम दुखी हो जाते हैं, वो होता है लेमिनेट। नेक्स्ट है, तो ये नहीं होगा, देखो दुखी हो रहा है उसको शांत नहीं कर रहे। टू कंसोल। कंसोल का मतलब होता है किसी के दुख को शांत करना, कम करना, ठीक है, ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी होना, सैडनेस, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है कि पैसिफाई करना, लेकिन यहाँ पर ये एक मतलब नाउन है, अगर टू सोलेस होता तो हो सकता था ऑप्शन, तो हमें वर्ब चाहिए ना कि नाउन, तो सेकंड में हमें वर्ब गिवन है टू कंसोल, तो सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। आगे हम देखते हैं एरर है। योर मोटिवेशनल स्पीच हैज़ हैड द ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स, कि आपकी जो मोटिवेशनल स्पीच है उसने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मतलब एक बढ़िया इफेक्ट डाला है। तो अब देखो यहाँ पे द ट्रिमेंडस इफेक्ट है, तो द यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, ए होगा, इफेक्ट के लिए ए यूज़ करेंगे, तो इसमें जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रीअरेंज करना पार्ट्स को, पी क्यू आर एस गिवन है, पढ़ते हैं। ए सिग्निफिकेंट नंबर इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर टू बी क्रिएटेड ऑफ दीज जॉब्स विल हैव। अब देखो मेरे को पढ़ने के बाद ही लग गया कि यहाँ पे नंबर के बाद क्या आएगा, ऑफ, क्योंकि हम किसी के नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर की बात करने के लिए हमें इसके बाद लेना कौन सा पड़ेगा, हमें इसके बाद लेना पड़ेगा आर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दीज जॉब, मतलब इनकी जो जॉब्स की बहुत बड़ी मात्रा है, विल हैव टू बी क्रिएटेड,
विल हैव टू बी क्रिएटेड, मतलब देखो टू क्रिएट का पैसिव बनाया था हम लोगों ने टू बी डन, सॉरी टू डू का टू बी डन बनाया था, और टू क्रिएट का बनेगा टू बी क्रिएटेड, तो विल हैव टू बी क्रिएटेड होगा यहाँ पे, कि इन जॉब्स को हमेशा सॉरी करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा इनको, इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर, जो सेक्टर फार्म से रिलेट नहीं करते उनके अंदर ऐसी जॉबों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके साथ हमारा आंसर क्या बनेगा, आर क्यू पी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलर गिवन है, द चाइल्ड लुकड अप एट हर टीचर ऑब्वियसली अफ्रेड दैट सी वुड फर्दर डैश हर, कहने का मतलब है कि जो चाइल्ड था ना वो अपनी टीचर की तरफ देख रहा था, कैसे, ऑब्वियसली अफ्रेड, मतलब ऑब्वियसली का मतलब बिल्कुल है, ऑब्वियस होता ना कहते पार्टी पे चलोगे यार खाना खाने चलते, ऑब्वियस यार मैं जाऊंगा भूख लगी हुई है, तो ऑब्वियसली उसकी मतलब है ही वो चीज, क्या है वो डरा हुआ है, कौन डरा हुआ, टीचर या हमारा चाइल्ड, नहीं यहाँ पे चाइल्ड डरेगा क्योंकि टीचर उसको डंडे लगा रही थी, कुछ भी लगा रही हो क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड ही डरेगा, तो डरा हुआ था, दैट क्यों, सी वुड फॉर द डैशर, अब उसको वो क्या करेगी, रेवर करेगी, रिस्पेक्ट देगी, इसलिए डरा हुआ था, नहीं एक्सटोल करेगी कि वो उसको खुश करेगी, मजे करेगी, यार चलो खाने चलते हैं, ऐसा करेगी इसलिए डरा हुआ था, नहीं, अगर ऐसा करती तो वो खुश होता, लोड, लोड का मतलब होता किसी को परहेज करना या उसकी तारीफ करने, तारीफ करेगी इसलिए डरा हुआ था, नहीं। फोर्थ चेस्टाइज, चेस्टाइज होता है किसी को पनिश करना, किसी को रेप्रीमांड करना, किसी को मतलब कहते ना उसको पेन देना होता है चेस्टाइज करना, उसको चेस्टाइज करेगी फर्दर मतलब और भी, इसलिए वो चाइल्ड क्या हुआ था, डरा हुआ था, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, फोर। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति सेड टू हर सिस्टर द RBI इज इंडियाज सेंट्रल बैंक। अब देखो हम लोगों ने किया था कि जो डाई टू इंडेक्स स्पीच होती है अगर उसके अंदर जो कुंभ के अंदर हमारे जो स्टेटमेंट गिवन होती है अगर वो कोई चीज़ फैक्ट बताती है तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते, तो RBI इंडिया की क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, ये चीज़ फैक्ट है या नहीं है, मतलब पहले भी था और आज भी है, बिल्कुल फैक्ट है, तो फैक्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, टेंस बिल्कुल सेम रखेंगे, यहाँ पे वोज गलत है, सेकेंड ऑप्शन में भी वोज गलत है, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं क्या गलत है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, कोई गलत नहीं है, देखते हैं, ज्योति टोल्ड हर सिस्टर दैट RBI इज इंडियाज सेंट्रल बैंक, इसके अंदर क्या है, कोई गलती नहीं है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन मैंने देखा नहीं है अभी तक, ज्योति टोल्ड हर सिस्टर दैट RBI इज इंडियाज सेंट्रल बैंक, तो इनके अंदर दिक्कत सिर्फ ये है क्योंकि फोर्थ के अंदर आप लोगों को कोई कंजंक्शन गिवन नहीं है, क्योंकि दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को कंजंक्शन की जरूरत होती है, जो कि थर्ड में गिवन है दैट, तो थर्ड ही हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले में हमें बताना है एंटोनिम एस्कोर्ट का। अब देखो एस्कोर्ट का मतलब होता है किसी का हम लोग गार्ड करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पे आता है तो उसको एस्कोर्ट करने वाले उसके साथ आएंगे, मतलब उसके बॉडीगार्ड उसके साथ आएंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी को प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसा हम लोगों को यहाँ पे सिनोनिम चाहिए। फर्स्ट वाला है एंटूरेज, एंटूरेज में देखो एन प्लस में टूर और प्लस में एज, मतलब ये इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो एंटूरेज भी वही तो ना, एन मतलब उसके अंदर, टूर मतलब टूर के अंदर है, एज मतलब सभी तरह के लोग, तो सभी तरह के लोगों का घूमना होता है एंटूरेज, तो एस्कोर्ट का एंटोनिम नहीं हो सकता। एंटोनिम कैसे होगा इसका, देखो किसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका एंटोनिम होगा किसी को हार्म पहुँचाना, तो हार्म तो पहुँचा नहीं रहे। सेकंड है कवेलियर, कवेलियर का मतलब होता है किसी के जो बिल्कुल अवेयर ना हो चीज़ों से, कंसर्न ना हो किसी चीज़ों की, मतलब किसी के साथ कुछ भी होता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है कवेलियर, नहीं ये भी हमारा कोई सिनोनिम एंटोनिम नहीं बन सकता। थर्ड है फोय, फोय होता है किसी से किसी का कोई दुश्मन होना, तो कोई दोस्त है तो हमारी मदद करेगा, अगर वो हमारा दुश्मन है तो हमको क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। लेकिन फोर्थ भी देखते हैं कॉन्वॉय, कॉन्वॉय हम लोग जनरली शिप्स के लिए यूज करते हैं, किसी शिप्स का झुंड अगर वहाँ से आ रहा है तो क्या कहेंगे, देर इज ए कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, तो शिप्स का हम लोग नहीं बुला रहे हैं यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है शिप की, हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पे, दुश्मन की ज़रूरत है, जो एस्कॉर्ट का क्या होगा, एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है वर्ड परमिएट का। परमिएट वर्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं किसी के अंदर कोई चीज़ का फीलिंग डालना,
मतलब मान लो अगर मिली ये जनरली मिलिट्री में कोई भाषण देते हैं कि यार अपने देश के लिए वो कर देंगे तो वहाँ पे किसी के अंदर हम लोगों ने फीलिंग डाल ली किस चीज़ की, देशभक्ति की, तो दे हैव बीन परमिएटेड, मतलब उनको फीलिंग, उनके अंदर फीलिंग डाली गई। तो कुछ ऐसी डालने वाली बात जो उसके अंदर फीलिंग हो या कोई आइडिया हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उसका हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिएगा, सिनोनिम चाहिएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ड्राई कर देना, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड कर देना। अगर मान लो डेसिकेट मैं वर्ड थिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ तो वो चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, उनके अंदर कुछ नहीं बचता। अगर मैं ये चीज़ डेसिकेट वर्ड यूज करता हूँ किसी पर्सन के लिए तो उसका मतलब हो जाएगा वो बिल्कुल टायर्ड है, बिल्कुल थका हुआ है, उसके अंदर जान बिल्कुल कहते हैं ना ख़त्म ही होने वाले यार कुछ नहीं हो रहा, तो डेसिकेटेड मैन कहलाएगा वहाँ पे वो, तो इसका मतलब है ही नहीं, वो हमारा कैंसिल हो जाता है। सेकंड है इम्ब्यू। इम्ब्यू होता किसी चीज़ को रंगना, मतलब उसके अंदर वो रंग फील करना कि जैसे मैंने अभी गुलाब का फोटो बनाया था उसके अंदर लाल रंग मैंने फील कर दिया तो मैंने इम्ब्यू कर दिया विद रेड रंग के साथ। तो ये किसी को रंगना और किसी के अंदर डालना थोड़ा बहुत है कि रिलेट करा चीज़ों को। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं टोरिड। टोरिड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होना, जैसे इट इज़ ए टोरिड डे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्म दिन चल रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, गर्म दिन चलते रहे हम तो अंदर बैठे हैं पंखे के नीचे। फोर्थ ऑप्शन है स्टेल। स्टेल यूज़ करते हैं हम लोग जनरली फूड के लिए कि कोई चीज़ जो अब यूज़ नहीं है, बिल्कुल कहते हैं ना गला सड़ा चीज़ें होती हैं उनके लिए स्टेल यूज करते हैं, नहीं है ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, कौन सा, टू इम्ब्यू। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है डेमन का। डेमन का मतलब होता है कि जैसे राक्षस हो गया, डेविल, कि जो भूत प्रेत हो गए जो हमें डराते हों, तो नेगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव चाहिए, तो इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या रहेगा, जो अच्छा हो हमारे लिए, यानी भगवान हो या कुछ और हो। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या गिवन है। फर्स्ट है स्पेक्ट्रे। स्पेक्ट्रे का मतलब होता है भूत ही, लेकिन एक मीनिंग ये भी होता है कि ओनली सिर्फ भूत के लिए नहीं, कोई भी चीज़ जो हमें डराती हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी मतलब नेगेटिव शो कर रहा है। सेकंड है एंजल। एंजल होता है मतलब कि जो बिल्कुल बढ़िया हो, जिसमें कोई भी राक्षस वाली जो गुण है वो ना हो, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शेडो। शेडो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करता है, डार्कनेस को शो करता है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है जुम्बे। जुम्बी जो है वो आपका एक मतलब कोई स्टोरी के अंदर एक फ्राइटन करेक्टर होता है, वो भी मतलब नेगेटिविटी को शो करता है, तो ऑप्शन सेकंड जो है एंजल वही राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, कि कोई भी किसी भी बंदे को सिखाना है क्या जो बिलीव्स है उनको अनक्रिटिकली, यानी कि उसको अच्छे तरीके से उस चीज़ों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। टू ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है, एक तो ड्रिल मशीन देखी होगी आपने कि जो होल करने के लिए यूज़ की जाती है, एक होता है जब मिलिट्री के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग दी जाती है तब उसको भी हम ड्रिल बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है टू इंस्टिल। टू इंस्टिल का मतलब होता है किसी चीज़ के, किसी भी बंदे के अंदर कोई चीज़ इम्प्लांट करना, कोई भी फीलिंग वगैरह का कोई भी आइडिया है वो उसको बताना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टू इंडोक्ट्रिनेट। इंडोक्ट्रिनेट का मतलब होता है वही कि कोई भी जो बंदे को सिखाना कि जो बिलीव्स है उनको अच्छे से सीख ले, तो ये ऑप्शन है हमारा राइट। फोर्थ है टू इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि उसको मतलब मना लेना, परसुएड कर लेना, ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा हमारा आंसर, थर्ड है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमें जो ब्रैकेट पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है, तो मिस्टर शाह इज़ हैविंग टू हाउसेज, कि मिस्टर जो शाह है उसके दो घर हो रहे हैं या उसके पास दो घर हैं, उसके पास दो घर हैं, यानी मिस्टर शाह हैज़ टू हाउसेज। हैव के साथ जनरली आईएनजी यूज़ नहीं होता, लेकिन जब हम कहते हैं कि मतलब इंजॉय कर रहे हो जैसे खाना कि आई एम हैविंग केक, तो वहाँ पे यूज़ होता है सिर्फ खाने की सेंस में जब यूज़ कर लेते हैं हम उसको, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है स्वाइन का। स्वाइन होता है पिग,
ठीक है, और जो स्वाइन फ्लू बना है वो भी यहीं से बना है कि जो स्वाइन फ्लू है वो पिग से फैलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट है होग, होग भी होता है ए पिग, तो इसका सिनोनिम लग रहा है हमें। नेक्स्ट है सिंपल, सिंपल तो बिल्कुल वही होगा, सिंपल चीज़ें। थर्ड ऑप्शन है इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। दो तीन टेस्ट में आ गया हमारा वर्ड लगातार आ रहा है, तो ये तो हमें लर्न हो ही गया होगा क्या क्लीन या नीट। फोर्थ है साइन, साइन होता है चमकना, बिल्कुल शाइनिंग है, शाइनिंग दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट है रीअरेंज करना है, बाय डूइंग सो इट ब्रॉट इट क्लोजर टू कल्चरल एंड सोशल लाइफ, हैज रीडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड, मतलब बस खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखो अगर हम पहले अगर ऑप्शन को उठा के चलते हैं ना, तो अगर देखो पहले लास्ट आर जो है वो क्या किसी के अंदर ऑप्शन में गिवन है, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स एंड है तो एंड के साथ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, लेकिन थर्ड में भी है आर लास्ट में और फोर्थ में भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन बचे वो देख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है दोनों ऑप्शन आर से स्टार्ट हो रहे हैं और कोई बन ही नहीं रहा, बाय डूइंग सो इट हैज़। अब देखो अगर विदाउट ऑप्शन के करें हम तो भी इट के बाद हमें वर्ब चाहिए। अब वर्ब पी के अंदर भी है और आर के अंदर भी है। अब कह रहा है इट ब्रोट इट क्लोजर या फिर इट हैज़ डिफाइन, तो यहाँ पे जो इट है उसको डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि कौन किस चीज़ के लिए यूज किया गया है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ रीडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड ब्रोट इट क्लोजर टू कल्चरल एंड सोशल लाइफ, और सेकेंड जो है वो कह रहा है बाय डूइंग सो इट हैज़ रीडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड टू कल्चर, तो ये अब कोई सेंस नहीं दे रहा कि दो चीज़ें जो जुड़ रही हैं वो हमें मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर रहेगा। ये कह रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा कि जो रीडिफाइंड जो पॉलिटिक्स है वो क्लोजर पास में आएगी, किसके लिए क्लोजर टू किसके कल्चरल और जो सोशल लाइफ है उनके क्लोजर आएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्लोजेस गिवन है तो उसको डिस्कस करना है। देखो वही बात है, क्लोजेस आ गया तो सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा कि इसको एक बिल्कुल रफली रीडिंग ले लें उस चीज़ की, तो हम वही लेंगे। एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट डेसमंड टूटू इज इवन मोर हार्ड हेडेड व्हेन ही सेज इन ऑलमोस्ट डैश लैंग्वेज। कह रहा है कि एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, मतलब यहाँ पे अपार्थाइड का मतलब रंगभेद, और एंटी रंगभेद एक्टिविस्ट जो रंगभेद को नहीं चाहते थे, रंगभेद के खिलाफ थे वो एक्टिविस्ट कौन, डेसमंड टूटू इज इवन मोर हार्ड हेडेड। हार्ड हेडेड मतलब उसका हेड हार्ड है, कहने का मतलब उसका हेड इतना हार्ड है कि उसके अंदर जो विचार है उसको कोई मिटा नहीं सकता। मान लो मैं सोचता हूँ कि 1+1=3 होता है, तो मैं हार्ड हेडेड हूँ, किसी की नहीं मानूंगा क्या, क्योंकि 1+1 क्या होता है 3 होता है। हार्ड हेडेड वो बंदा होता है व्हेन ही सेज, जब वो कहता है इन ऑलमोस्ट डैश लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज की बात कर रहा है, द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आर आई एम सॉरी, कोई किसी भी लैंग्वेज में सबसे डिफिकल्ट वर्ड्स क्या होते हैं, मुझे माफ करो आई एम सॉरी। मिस्टर टूटू एड्स दैट, इसके साथ और भी ऐड करता है, क्या करता है, दैट डैश रिकंसाइलेशन कैन ओनली लीड टू स्पूरियस हीलिंग। यहाँ पे कह रहा है कि जो रिकंसाइलेशन बनती हैं वो सिर्फ स्पूरियस हीलिंग को ही लीड करती है, मतलब उनसे सिर्फ स्पूरियस हीलिंग ही आती है, मतलब फेक हीलिंग ही आती है, वो एक्चुअल हीलिंग नहीं होती है। डैश हिम फॉरगिवनेस इज ए वेजर, मतलब पता नहीं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि जो फॉरगिवनेस है, जो माफ़ करने की जो कला है या माफ़ करने की जो आदत है, इज ए वेजर, वो एक वेजर है। वेजर मतलब यहाँ पे शर्त है, गैम्बल करना, किसी चीज़ को बैट करना होता है, वेजर करना, ये उसके लिए गैम्बल है। अनएथिकल वेजर मतलब जो हम नैतिक बैट लगाते हैं ऑन द फ्यूचर ऑफ डैश रिलेशनशिप, किसकी रिलेशनशिप पे, किस उस रिलेशनशिप की जो यहाँ पे वर्ड आएगा। दिस इज वाई द फ्यू इवेंट्स ऑफ एपोलॉजी, इसी के कारण क्या होता है कि जो फ्यू इवेंट्स ऑफ एपोलॉजी, मतलब जो इवेंट्स क्रिएट किए हैं एपोलॉजी के लिए, विच स्टैंड अप टू का मतलब होता है डिफेंड करना, जैसे आई एम स्टैंड अप टू डू दिस, मतलब मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, तो वो जो एपोलॉजी के इवेंट्स हुए हैं, फ्यू इवेंट्स, वो क्या किसको डिफेंड करते हैं, डैश स्क्रूटनी डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड। ट्रेजर्ड मतलब वो स्क्रूटनी क्या है, वो डिजर्व करती है, ट्रेजर मतलब उसको निकाला जाए, उसको खोदा जाए, उसको पाया जाए। कहने का मतलब यही है कि
यहाँ पे देशमन टोटू की बात हो रही है, उसके उसके विचारों की बात हो रही है कि वो किस चीज़ को क्या मानता है, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग करते हैं इसको। एंटी अपार्थिड एक्टिविस्ट देशमन टोटू इज इवन मोर हार्ड हेडेड व्हेन ही सेज, क्या कहता है जब वो, इन ऑलमोस्ट एवरी या ईच सॉरी इन ऑलमोस्ट ईच ऑल एनी या एवरी। देखो यहाँ पे हम लोगों को एनी नहीं लग रहा, यहाँ पे ऑल नहीं लग रहा, बात आके टकती है ईच या एवरी। अब यहाँ पे देखो फिलर से पहले क्या है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है, तो कुछ एक एडवर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम लोग एवरी ही लेते हैं। कौन सी, जैसे ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट के बाद हमारा हो गया नियरली, हो गया नियरली के बाद हो गया हमारा प्रैक्टिकली। ये तीन चार एडवर्ब ऐसी हैं कि जिनके बाद हम लोगों को एवरी लेना ही लेना, कि ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, नियरली एवरी पार्ट ऑफ दिस। तो ये चीज़ें क्या लेंगे आप लोगों की, हमेशा एवरी ही लेंगी आप लोगों को। यहाँ पे एवरी लैंग्वेज मतलब एवरी डिटरमाइनर यहाँ पे लेंगी कि हर एक, लगभग हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, सॉरी ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आर, आई एम सॉरी, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में क्या होता है कि सबसे डिफिकल्ट वर्ड क्या होते हैं, आई एम सॉरी होता है। फिर क्या है, मिस्टर टोटू एड्स दैट, और मिस्टर टोटू ऐड भी करता है, क्या करता है दैट डैश रिकनसाइलेशंस कैन ओनली लीड टू स्पूरियस हीलिंग। मतलब कौन सी ऐसी रिकनसाइलेशन है वो सिर्फ स्पूरियस हीलिंग को ही क्या करती हैं, लीड करती हैं। देखते हैं वर्ड हम लोग, आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल हम लोग जनरली डेकोरेटेड चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल क्लोथ हो गए, तो नहीं यहाँ पे आर्टिफिशियल रिकनसाइलेशन नहीं होगा कि हम लोगों ने रिकनसाइलेशन को पार्टी के रूप में बना लिया, नहीं। फोनी, फोनी का मतलब एक्चुअली अगर हिंदी मीनिंग लूँ तो इसका मीनिंग होता जाली, तो फोनी जनरली नोट्स के लिए यूज होती है, कोई जाली करेंसी यूज होती है, फोनी नोट्स, फोनी करेंसी, तो ये हमारे यहाँ पे वर्ड नहीं होगा। स्पूरियस, अब देखो स्पूरियस का मतलब होता है जो चीज़ बनाई गई थी लेकिन वो चीज़ उसके लिए नहीं बनी। मान लो मैंने अभी एक कुर्सी बनाई थी बैठने के लिए लेकिन वो एक्चुअली कुर्सी नहीं बनी, तो वो क्या कहेंगे, स्पूरियस चेयर कहेंगे उस चीज़ को। मान लो मैंने अभी कहीं पे कुछ भी बनाया तो जिस काम के लिए बनाया था वो काम कर लेकिन ये नहीं बना, तो वो क्या होगा, वो चीज़ स्पूरियस होगी, फेक होगी, वो काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो रिकनसाइलेशन बनाई मैंने, जो यूनिटी बनाई वो कैसी थी, स्पूरियस थी, इसके कारण ही वो क्या दे रही थी, स्पूरियस हीलिंग दे रही थी। ठीक, हो सकता है हमारा आंसर ये। लेकिन फोर्थ भी देखते हैं, बोगस। बोगस का मतलब होता है कोई चीज़ का फर्जी होना, जैसे फर्जी अकाउंट होते हैं, तो बोगस जनरली हम लोग यूज करते हैं अकाउंट्स के लिए या हम लोग करते हैं मनी के लिए यूज, तो बोगस अकाउंट्स, फोनी करेंसी हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, तो स्पूरियस रिकनसाइलेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, स्पूरियस हमारा थर्ड आंसर रहेगा। स्पूरियस रिकनसाइलेशंस कैन ओनली लीड टू स्पूरियस हीलिंग, ठीक है। डैश हिम फॉरगिवनेस इज ए, डैश हिम फॉरगिवनेस इज ए वेजर, तो इस देखो उसके लिए वेजर है या उसके अकॉर्डिंग वेजर है, फॉर हिम उसके लिए वेजर है क्या, नहीं, उसके बाद बात कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग वो मानता है, टू हिम नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, बाय हिम, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, एक वेजर है, एक शर्त की तरह है, मतलब इसको शर्त की तरह हम लोग मान लेते हैं। अबाउट नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये कि बचता है यहाँ पे थर्ड, बाय हिम फॉरगिवनेस इज ए वेजर, एन एथिकल वेजर ऑन द फ्यूचर, ऑन द डैश रिलेशनशिप, ऑन द फ्यूचर ऑफ डैश रिलेशनशिप, क्योंकि जो एथिकल वेजर है वो किसके है, किसके ऊपर, उन फ्यूचर, उसके फ्यूचर पे, उस रिलेशनशिप पे, कौन सी रिलेशनशिप के फ्यूचर पे, द, ए, देम और हिम। देखो अब रिलेशनशिप क्या है, एक नाउन है, तो इससे पहले हम लोग अगर लेंगे तो एक एडजेक्टिव ले सकते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है, द भी एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव, डिटरमाइनर कहते हैं हम लोग आर्टिकल को, लेकिन एडजेक्टिव का काम भी करते हैं ये। तो यहाँ पे देखो रिलेशनशिप द यहाँ पे इसलिए यूज नहीं करेंगे कि हम लोगों को बताई नहीं गई कि कौन सी पार्टिकुलर रिलेशनशिप है, तो पार्टिकुलर चीज के लिए तो हम लोग द यूज करते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, फ्यूचर ऑफ ए रिलेशनशिप, दिस इज वाई दैट फ्यू इवेंट्स एपोलॉजी, इसी के कारण क्या होता है कि जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एपोलॉजी के, किसके जो खड़े होते हैं, जो डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं, डैश स्क्रूटनी डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड, उन इवेंट्स को, उन एपोलॉजी के इवेंट्स को क्या है, ट्रेजर किया जाना चाहिए। तो देखते हैं स्टैंड अप टू डैश स्क्रूटनी, अब स्क्रूटनी क्या मतलब होता है, कोई एग्जामिन करना, ठीक है ना, वैसे एक फ्रेज होता है स्क्रूटनी के साथ,
अंडर स्क्रूटनी कि कोई चीज़ एग्जामिनेशन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे अंडर तो गिवन है ही नहीं। फर्स्ट है क्रिटिकल, क्रिटिकल होता जो चीज़ जायज है या मतलब जो चीज़ हो जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाली चीज़, कहते क्रिटिकल पॉइंट है, अब तो ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्रिटिकल हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग। सेकंड है सरकास्टिक, सरकास्टिक और सेटायरिकल जो फोर्थ ऑप्शन है दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। दोनों मीनिंग सेम क्यों है, क्योंकि ये चीज़ व्यंग करती है, व्यंग हम सरकाजम करते हैं ना, सरकाजम जनरली हम लोग डोनाल्ड ट्रंप या किसी की भी बातों का सरकाजम करते हैं अपने आप में, किसी की हंसी उड़ाना या कोई भी चीज़ होना जो चीज़ वो होनी नहीं चाहिए थी। सेटायरिकल किसी का मतलब एक अम्यूजिंग वे से किसी का मजाक उड़ाना कुछ भी बातों से, जैसे हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि कार्टून्स का यूज़ करके उनका हम लोग क्या करते हैं सरकाजम बनाते हैं कि यार कार्टून वो कह रहा है कि बीजेपी वाला जो मोदी जी हैं कि वो कह रहे हैं मैं जीतूंगा, वो कुछ भी हम लोग ऐसे जो हम लोगों को मजा आए वो सेटायरिकल और सरकाजम होता है। सरकास्टिक तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्क्रूटनी होगी वो क्रिटिकल होगी या बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होगी अगर वही चीज़ हंसाने वाली होंगी तो बात क्या बनेगी, क्योंकि आगे ट्रेजर वर्ड यूज है, ट्रेजर्ड वर्ड यूज़ किया गया है, तो ट्रेजर्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वो चीज़ बढ़िया थी, इसलिए उस चीज़ को क्या करना चाहिए हम लोगों को ट्रेजर करना चाहिए। साइनिकल, साइनिकल हम लोग जनरली वर्ड बंदों के लिए यूज़ करते हैं तो साइनिकल आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन बचा हमारा कौन सा क्रिटिकल, यहाँ पे क्रिटिकल स्क्रूटनी डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड। देखो बात सिर्फ देखो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे थे, दो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप लोगों को देखते लग जाएंगे कौन से, एक तो ये वाला ए रिलेशनशिप वाला और एक ये हिम वाला। अगर आपको थोड़ी भी सेंस आ गई कि क्या कह रहा है पैसेज के अंदर, तो बात सिर्फ वही है कि रीडिंग पे आके रुकती है कि आप लोग रीडिंग कितना कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी। तो इसके साथ ही बाय बाय।